हेलो भाइयों, मैं हूं प्रफुल्ल लाकड़ी। अपने पास महिंद्रा XUV700 का AX7 ऑल व्हील ड्राइव वेरिएंट जो कि ऑटोमेटिक है। बाकी स्कूपर भाई अपने को AX7 लग्जरी पैक जो है जिसमें अपने को AX7L जो अपना वेरिएंट है वो मिलता है। बाकी उसमें सिर्फ भाई अपने को कुछ फीचर और ऐड हो जाएंगे, बाकी तो सब सेम ही रहेगा। ये अपने को टॉप से एक नीचे वाला वेरिएंट है। बाकी इसमें 5 वेरिएंट आते हैं अपने को, MX, AX3, AX5, AX7 और AX7 लग्जरी। तो आज अपन AX7 के बारे में बात करने वाले हैं जो कि ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम है। तो भाई आज अपन जानने वाले हैं भाई अपने को जो ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम मिलता है तो अपने को वो लेना चाहिए या AX7 लेना चाहिए। तो सबसे पहले भाई अगर इसके लुक्स की बात करें ना, काफ़ी डिसेंट लुक है। महिंद्रा ने जो भाई इस गाड़ी पे जो काम करा है ना, काफ़ी बेहतरीन। आप अगर देखो स्कॉर्पियो क्या लुक है। अगर फ्रंट में बात करें तो अपने को LED हेडलैम्प मिल जाते हैं जो कि ऑटो बूस्टर हैं। बाकी इधर पे अपने को DRL मिल जाते हैं। बाकी यहाँ पे अपने को भाई मिल जाते हैं LED फॉग लैम्प। बाकी ऑटो बूस्टर भाई जो 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड जैसे ही क्रॉस करती है गाड़ी, उसके बाद भाई एक लैम्प और है वो और जल जाता है, जिससे अपने को भाई काफ़ी ज़्यादा रोशनी रोड पर मिल जाती है। बाकी अपने को ऐसे कुछ सिल्वर गार्निश मिल जाती है। और पूरी ग्रिल की बात करें, पियानो ब्लैक फिनिश, न्यू महिंद्रा का लोगो है। की बात करते हैं तो ऐसी कुछ की मिल जाती है जिसमें लॉक अनलॉक इधर से आप बूट अनलॉक कर सकते हो। बाकी डायमेंशंस की बात करें तो 4695 mm की इसमें अपने को लेंथ मिल जाती है। विड्थ की बात करें 1890 mm की इसमें अपने को विड्थ मिल जाती है। हाइट की बात करते हैं तो इसमें भाई अपने को 1755 mm की हाइट मिल जाती है। और व्हील बेस की बात करें 2750 mm की इसमें अपने को व्हील बेस मिल जाता है। बाकी ऐसी कुछ इसमें अपने को अलॉय व्हील मिल जाता है, 235/60R18 जिसमें अपने को अलॉय व्हील मिल जाते हैं। बाकी यहाँ पे अपने को स्मार्ट डोर हैंडल्स मिल जाते हैं, कीलेस एंट्री है। बाकी बॉडी कलर वो RVM टर्न इंडिकेटर के साथ। बाकी लग्जरी आप अगर पैक लेते हो तो इसमें अपने को 360 कैमरा मिल जाता है। बाकी इधर पे और बात करें तो अपने को 4 स्टेप मिल जाते हैं जो कि एक्सेसरीज का पार्ट है। देन इसके बारे में अब बात करते हैं अपन। इधर पे भाई अपने को एरोडायनेमिक्स मिल जाते हैं जो कि गाड़ी को भगाने में काफ़ी इसमें अपने को साथ आ जाता है। ऊपर अपने को भाई मिल जाता है पैनारोमिक सनरूफ, फ्रेमलेस वाइपर है ऑटोमेटिक। बाकी यहाँ पे अपने को एडास मिल जाता है जो इधर पे सेंसर लगा हुआ है, टर्न इंडिकेटर है, स्मार्ट डोर हैंडल्स। बाकी यहाँ अपने को फ्यूल लिड मिल जाता है जहाँ से आप भर सकते हो डीजल। रेड ब्लू एडरनॉक्स कनेक्ट कार टेक्नोलॉजी मिल जाती है। बाकी यहाँ पे अपने को LED टेल लैम्प मिल जाते हैं, यहाँ पे अपने को टर्न इंडिकेटर मिल जाते हैं। देन इसके बारे में बात करते हैं अपन तो रियर में अपने को वाइपर और डिफॉगर मिल जाता है। यहाँ पे वॉशर है, यहाँ पे अपने को लाइट मिल जाती है, यहाँ पे अपने को कैमरा मिल जाता है। XUV700 की बैजिंग मिल जाती है, X7 की बैजिंग मिल जाती है। बाकी अंदर बैठ के देख लेते हैं। यहाँ पे भाई अपने को मेमोरी सीट्स मिल जाती हैं ऐसी कुछ। बाकी इधर पे सिल्वर डोर हैंडल हैं, चारों पावर विंडो, लॉक अनलॉक करने का बटन है, इधर से आप RVM एडजस्ट कर सकते हो। पियानो ब्लैक फिनिश में अपने को ग्रैब हैंडल मिल जाता है, 1 लीटर बॉटल वाटर स्पेस है। बाकी यहाँ पे अपने को एक रिफ्लेक्टर मिल जाता है जो कि आप रात में अगर डोर अनलॉक करते हो दूसरे गाड़ी को पता चल जाए कि अपन ने गेट ओपन किया है। यहाँ पे टायर इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। बाकी स्पीकर है। बाकी भाई अंदर बैठ के देख लेते हैं इस गाड़ी में भाई अपने को, भाई ये देखो आप क्या एनिमेशन मिलता है अपने को। बाकी आप की को इधर पर रख सकते हो और इधर पे अपना आप स्टार्ट बटन आप इसको ऑन कर सकते हो। बाकी आप सीट को अगर आगे करना हो आप इधर से करोगे। तो भाई इधर पे अपन बात करते हैं सबसे पहले स्टेयरिंग व्हील की। तो यहाँ पे भाई अपने को फोर स्पोक स्टेयरिंग व्हील मिलता है। यहाँ पे अपने को सारे इंफोटेनमेंट के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। बाकी यहाँ पे अपने को क्रूज कंट्रोल और MID के कंट्रोल मिल जाते हैं, ऑटोमेटिक वाइपर और ऑटोमेटिक हेडलैम्प मिल जाते हैं। यहाँ पे बात करते हैं तो अपने को इंजन स्टार्ट स्टॉप मिल जाता है। यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल है, हिल डिसेंट कंट्रोल है। यहाँ पे अपने को फोर व्हील ड्राइव का बटन मिल जाता है जो कि इसमें भाई कुछ एनिमेशन बना तो आ नहीं रहा है नहीं। अगर इसके एडजस्टमेंट की बात करते हैं तो अपने को भाई सिर्फ टिल्ट एडजस्टमेंट मिलता है। और स्पीकर की बात करें तो इसमें अपने को भाई चारों डोर्स पर और 5 और 1/6 इसमें अपने को ट्विटर वगैरह, टोटल 6 स्पीकर के साथ अपने को ये मिल जाता है। बाकी स्लाइडिंग आर्मरेस्ट है और ब्लैक एंड बीच कलर का इंटीरियर है। बाकी यहाँ पे अपने को
की वगैरह रख सकते हो, और आर्मरेस्ट में भी काफ़ी स्पेस है। इसको लगा देते हैं। बाकी ये भाई पूरा पियानो ब्लैक फिनिश मिलती है इस पर। और बाकी ये अपने को इंफोटेनमेंट स्क्रीन है, उसके कंट्रोल्स मिलते हैं। यहाँ पे वॉल्यूम के बटन हैं। बाकी आपको इधर से बैक वगैरह भी कर सकते हो। काफ़ी आप इस गाड़ी को बोल सकते हो स्मार्ट गाड़ी है। बाकी यहाँ पे अपने को ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिल जाता है, ऑटो होल्ड और इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक का बटन है। बाकी यहाँ पे अपने को, अगर मैं बात करूँ, एक टाइप सी और एक यूएसबी का पोर्ट है। बाकी आप यहाँ पे भी एक फ़ोन वगैरह रख सकते हो। यहाँ पे पूरा मैटिंग है, इससे आपका फ़ोन भी स्लिप नहीं होगा। बाकी ये रिमाइंडर है अपने को पैसेंजर साइड एयरबैग का। बाकी यहाँ पे सीट बेल्ट रिमाइंडर है, हज़ार्ड लाइट वार्निंग है, जेडी फॉगर वगैरह के बटन हैं। और यहाँ पे अपने को ड्राइव मोड मिल जाते हैं, जिप जैप जूम। जैप जो है भाई अपना स्पोर्ट्स मोड है, सॉरी जूम स्पोर्ट्स मोड है। ये अपना नॉर्मल मोड है, ये अपना इको मोड है। और कस्टम में भाई, और कस्टम में अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं अपन। बाकी यहाँ पे बात करें तो अपने को डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल एसी मिल जाता है। फोकस हो जा। बाकी इधर पे फैन स्पीड और ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल का बटन है, मैक्सिमम कूलिंग का बटन है, ये सब बटन्स हैं। बाकी यहाँ पे अपने को महिंद्रा का न्यू लोगो मिल जाता है। और यहाँ पे आप देख सकते हो ऐसी कुछ स्क्रीन मिल जाती है, जो कि इसके अंदर अपने को क्या कुछ मिलता है वो अपन बात करते हैं, जो कि आप इधर से चेंज कर सकते हो। यहाँ पे ड्राइव इन्फो है, इसको ओके करते हैं। इसमें अपने को ड्राइव अटेंशन लेवल वगैरह ये सब मिलता है, ट्रिप ए, ट्रिप बी, एवरेज रेंज, डिस्टेंस टू एम्प्टी। देन इसके बाद बात करते हैं फ्यूल इन्फो, नेविगेशन, इसकी एक मैं डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा इसमें क्या कुछ मिलता है अपने को। बाकी भाई बात करें तो इसमें सारे अपने को यहाँ पे मिल जाता है स्पीडोमीटर। बाकी ये है टैकोमीटर, इधर पे अपने को टेम्परेचर गेज मिलता है, यहाँ पे अपने को फ्यूल गेज मिल जाता है, बीच में टाइम और टेम्परेचर वगैरह पता चल जाता है। यहाँ पे अपने को एंड्रॉइड और एप्पल कार प्ले के साथ सारे फीचर्स मिल जाते हैं। यहाँ पे अपने को सारे ऐप्स वगैरह मिल जाते हैं। देन यहाँ पे एक अपने को सबवूफर भी मिल जाता है, और इसको अगर ओपन करते हैं तो इसमें भी भाई अपने को एक लाइट मिल जाती है, ऊपर भी एक डेडिकेटेड अपने को एक होल्डर मिल जाता है जिसमें अपन डॉक्यूमेंट वगैरह रख सकते हैं। यहाँ पे अपने को एक सनग्लास होल्डर मिल जाता है। देन यहाँ पे अपने को सारी लाइट्स के बटन मिल जाते हैं, SOS का बटन है, जो कि आप इसको दबाओगे तो यहाँ पे एक बटन मिल जाता है। बाकी यहाँ से आप सनरूफ वगैरह ओपन कर सकते हो। यहाँ पे अपने को लाइट मिल जाती है, जो कि डोर अगर ओपन है तो ये अपनी लाइट जल जाएंगी। बाकी भाई और तो इसमें अपने को सिल्वर और पीच कलर का इंटीरियर मिलता है। और बाकी अब अपन पीछे चल के देख लेते हैं इसमें अपने को क्या कुछ मिल जाता है। बाकी अपन पीछे देख लेते हैं इसमें अपने को क्या कुछ मिल जाता है। यहाँ पे अपने को सिल्वर फिनिश में डोर हैंडल मिल जाते हैं, पियानो ब्लैक फिनिश में अपने को ग्रैब हैंडल मिल जाता है। बाकी ये पूरा अपने को ग्लॉसी मतलब पियानो ब्लैक फिनिश मिल जाता है। बाकी पावर विंडो है, यहाँ पे अपने को 1 लीटर बॉटल होल्डर और स्पीकर मिल जाता है। देन यहाँ पे अपने को रिक्लाइन वगैरह कर सकते हो। बीच कलर का इसमें अपने को इंटीरियर मिल जाता है, रियर में एसी वेंट्स मिल जाते हैं। बाकी इधर पे अपने को थोड़ी बहुत स्पेस मिलती है। यहाँ पे अपने को भाई टाइप सी पोर्ट मिल जाता है, ऊपर अपने को ऐसी कुछ रूफ मिल जाती है, यहाँ से आप लाइट वगैरह ऑन कर सकते हो। ग्रैब हैंडल में एक अपने को इधर पे हुक मिल जाता है। आर्मरेस्ट में भाई अपने को 2 कप होल्डर मिल जाते हैं। बाकी एडजस्टेबल हेडरेस्ट में अपने को 6 मिल जाते हैं। बाकी बीच में यहाँ पर नहीं मिलता, बाकी सीट बेल्ट वगैरह मिल जाते हैं। और रियर में भाई अपने को इधर पर एसी वेंट्स मिल जाते हैं, इसके कंट्रोल अपने को यहाँ पर मिल जाते हैं, और ठीक ठाक स्पेस में अपने को मिल जाती है। बाकी ये डोर ओपन करके देख लेते हैं। यहाँ पे भाई अपने को 100 लीटर के लगभग बूट स्पेस मिल जाती है। बाकी इसको अपने को अगर फोल्ड करना है तो आप इधर से कर सकते हैं, इनको ऐसा एक खासा होगा नहीं। बाकी यहाँ पे अपने को टूल किट वगैरह मिल जाती है। और बाकी ये अपने को जो 5 है उसका मिलता है, बाकी 5 स्टार रेटिंग है इसमें अपने। और बाकी अगर सेफ्टी फीचर्स की बात करूँ तो इसमें अपने को भाई 6 एयरबैग मिल जाते हैं, ABS, CVT मिल जाता है। बाकी हिल डिसेंट कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, ट्रैक्शन कंट्रोल जैसे सेफ्टी फीचर्स इसमें अपने को भाई भर भर के मिल जाते हैं। और दूसरी चीज़ भाई इसमें अपने को ना ADAS मिलता है Level 2, जिसमें भाई अपने को गाड़ी ऑटोमेटिक लेन असिस्ट करती है,
अपने आप स्टेयरिंग घुमाती है। दूसरी चीज़ भाई, इसमें ड्राउजीनेस सिस्टम मिलता है, जो कि भाई ड्राइवर को अगर ज़्यादा कंटिन्यूस ड्राइविंग करते हैं एक टाइम के बाद भाई वो अगर अपने को नींद आ रही है तो गाड़ी वो सेंस करती है और बोलती है भाई थोड़ा बहुत ब्रेक ले लो और कॉफ़ी वगैरह पी लो। बाकी इंजन की बात करें 2.2 लीटर का टर्बो 4 सिलेंडर डीजल इंजन मिल जाता है, जिसमें अपने को भाई 182 bhp की पावर और 450 Nm का टॉर्क मिल जाता है। माइलेज की बात करें 18 km का मिल जाता है। तो यही था आज की वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू सो मच।